الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ويقول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء ويقول الله تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اليوم أكملت لكم دينكم آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو وأتممت عليكم نعمتی اور پوری کر دی میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت ورضیت لكم الإسلام دینا اور پسند کر لیا میں نے تمہارے لیے اسلام کو باعتبار دین کے ما فرطنا فی الکتاب من شیء
नहीं कमी छोड़ी हमने, नहीं कसर छोड़ी हमने किताब में किसी चीज की। आमंतु बिल्लाही व बि आयाती। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला ने मेज अपने फज़्ल व करम से आका इनामदार सरवर कायनात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मुकम्मल कानून और एक मुकम्मल निज़ाम, एक मुकम्मल आईन और दस्तूर अता फरमाया है। जो कुरान करीम और अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में मिनवान पूरी तरह हमारे सामने मौजूद है और उसमें किसी किस्म की कोई कमी और बेशी नहीं। अगरचे तारीफ करने वालों ने और रद्द बदल करने वालों ने लफ्जी और मानवी तौर पर उसमें तारीफ करने की, रद्द बदल करने की नाकाम कोशिशें की, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला का वादा है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, कि हमने इस ज़िक्र को, इस दीन को, इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। इसलिए बावजूद कोशिश के ये दीन कामिल और मुकम्मल तरीके से मिन व अन बिल्कुल अपनी असली सूरत में मौजूद है और ये कामिल निज़ाम ज़िंदगी है, एक ऐसा आईन और एक ऐसा दस्तूर है कि इसके बाद किसी और निज़ाम की और किसी और कानून की, किसी और आईन की ज़रूरत बाकी नहीं रह सकती। और किस तरह इसकी ज़रूरत बाकी रह सकती है कि जब इस कानून को बनाने वाला खुद रब्बुल आलमीन, खुद अल्लाह तबारक व ताला है कि जिसका इलम कामिल और मुकम्मल है और हर चीज़ के ऊपर उसका इलम है। दुनिया के अंदर हम देखते हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर कानून बनाने के लिए, आईन बनाने के लिए, दस्तूर बनाने के लिए कानून साज इदारे मौजूद होते हैं, ऐवान बाला, ऐवान ज़ेरीन, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, पार्लियामेंट। और जब कोई कानून बनाया जाता है, कोई दस्तूर बनाया जाता है, तो महीनों उसके ऊपर बहस होती है और बहस व मुबाहसे के बाद एक कानून पास किया जाता है। और जब वो कानून पास हो जाता है तो थोड़ा ही अरसा गुजरता है कि फिर वो नामुकम्मल नज़र आता है।
और फिर उसके लिए तरामीम लाई जाती हैं, नई नई तरामीम पेश की जाती हैं, और फिर उन तरामीम को उस कानून का, उस आईन का, उस दस्तूर का जुज बनाया जाता है। इस वजह से कि जो कानून बनाने वाले हैं और जो आईन और दस्तूर बनाने वाले हैं उनका इल्म नामुकम्मल, फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में, आइंदा ज़माने के बारे में जो उनका इल्म है, जो उनकी मालूमात हैं, जो असबाब हैं, जो वसाइल हैं, जो ज़राए हैं, वो महदूद हैं, अक़ल महदूद है। तो इस वजह से जो कानून बनाया जाता है, बाद में जब वक़्त गुजरता है तो नई चीज़ें सामने आती हैं और फिर तरामीम की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह जो कानून बनाने वाले हैं और जो आईन और दस्तूर बनाने वाले हैं, जिस कदर उनका इखलास होगा और वो अपने आवाम के साथ, अपने लोगों के साथ जिनके लिए वो कानून और दस्तूर बनाया जा रहा है मुखलिस होंगे, जिस कदर उनके दिलों के अंदर उनकी शफ़क़त होगी, रहमत होगी, उनके साथ ताल्लुक होगा, तो इसी तरह वो कानून भी ऐसा बनाएंगे कि जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें, लोगों के लिए मुफीद हो, नाफे हो, फ़ायदेमंद हो। जितना किसी को किसी से गरज नहीं होगी, लालच नहीं होगी, बेगर्जी के साथ और बग़ैर लालच के, बग़ैर तमा के कानून बनाया जाएगा तो उससे लोग ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अब इन दो चीज़ों को सामने रख करके रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए जो कानून बनाया, उसका इल्म ऐसा है कि वो अलीम बिज़ात सुदूर है, अलीमुल कुल है, हर चीज़ के ऊपर उसका इल्म, ज़ाहिर के ऊपर और गायब के ऊपर। वो खालिक़ कायनात है और खालिक़ इंसानियत है, खालिक़ मखलूक़ात है। अला यालू मन खलक़ वहुवल लतीफ़ुल ख़बीर, जो खुद खालिक़ कायनात है, जिसने पैदा किया मखलूक़ात को, उससे ज़्यादा मखलूक़ात की ज़रूरियात के बारे में जानने वाला और कौन हो सकता। तो एक तो इसका इल्म जो है उसका कामिल और असम, और दूसरी वो इतना शफीक है, इतना रहीम है अपनी मखलूक़ात के ऊपर कि वो उससे बढ़कर के कोई रहीम नहीं हो सकता, कोई रहमान नहीं हो सकता, कोई शफीक और मेहरबान नहीं हो सकता। 70 माओ से भी ज़्यादा वो शफीक और मेहरबान है अपने बंदों के ऊपर। तो इसलिए रब्बुल आलमीन ने जो कानून और जो आईन और जो दस्तूर अपने बंदों के लिए बनाया, उसके अंदर बंदों की शफ़क़त और बंदों की रहमत सामने, बंदों की हालात को वो खूब अच्छे तरीके से जानता है, वो खुद खालिक है और वो बेनियाज है किसी से, उससे लालच नहीं, गर्ज नहीं, वो समझ सारी कायनात और सारी मखलूकात उसकी नाफरमानी के ऊपर आ जाए उसे कोई परवाह नहीं, और उसकी वहदानियत में, उसकी खुदाई में ज़र्रा बराबर कोई कमी नहीं आती, और सारी इताअत के अंदर लग जाएं तब भी उसकी खालिकियत में और उसकी मालिकियत में ज़र्रा बराबर कोई इजाफा नहीं हो सकता। तो इसलिए उसका जो बनाया हुआ कानून है बंदों के लिए, उससे बढ़कर कोई कानून नहीं हो सकता। अला यालमु मन खलक़ वहुवल लतीफ़ुल ख़बीर,
इन الحكم الا لله الا له الخلق والامر, वो पैदा करने वाला उसी का हुक्म चलता है, उसी का अमर चलता है। तो हुक्म सिर्फ उसी का चलता है, इसलिए उसने जो कानून दिया उस कानून का नाम जो है वो दीन है, मजहब। और इसी दीन की तालीम के लिए फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला शुरू किया, अंबिया के ज़रिए से इस दीन की तालीम दी, और फिर सबसे आखिर में खातमुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मबूस फरमाया और उनके ज़रिए से इस दीन की तकमील फरमाई। और इस दीन की तकमील का ऐलान एक अजीम शान मजमे के अंदर हज्जतुल विदा के मौका पर, जब 1,24,000 नफूस कुदसिया मौजूद थे मैदान अरफात में, 9 ज़िलहज्जा को असर के वक़्त अल्लाह तबारक व ताला ने ये ऐलान करवाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना, कि आज के दिन मैंने अपना दीन तुम्हारे लिए कामिल और मुकम्मल कर दिया, व अतममतु अलैकुम नेमती, अपनी नेमत मैंने तुम्हारी ऊपर पूरी कर दी, व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना, और इस्लाम को बाएतबार दीन के तुम्हारे लिए मैंने चुन लिया, पसंद कर लिया। अब इस ऐलान से ये बात वाज़ह हो गई कि दीन कामिल और मुकम्मल हो चुका है और दीन में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है और क़यामत तक ये दीन कामिल और मुकम्मल रहेगा, इसमें किसी हज़्फ की, किसी इजाफे की ज़रूरत नहीं है, किसी नसख और तनसीख की ज़रूरत नहीं है, किसी कमी और बेशी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये दीन हर एतबार से कामिल और मुकम्मल है। अब इसी चीज़ को, इसी आयत करीमा को सामने रख करके फिर ये देखा जाएगा कि जो असबाब और जो दवाई प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर मौजूद थे, सहाबा इकराम के ज़माने के अंदर मौजूद थे, ज़माना खैरुल क़ुरून के अंदर मौजूद थे, कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, सहाबा इकराम का ज़माना है, और उस ज़माने के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं की गई जो बाद में ईजाद कर दी गई तो उसका नाम बिदअत हो। मिसाल के तौर पर आज़ानें उस वक़्त भी दी जाती थी, नमाज उस वक़्त भी पढ़ी जाती थी, पैदाइश और ख़तने उस वक़्त भी होते थे, खुशी और गमी उस वक़्त भी होती थी, और मौत और जनाजे उस वक़्त भी होते थे, ईसाले सवाब उस वक़्त भी होता था, और लोगों के ऊपर परेशानियाँ, मसाइब और आफात उस वक़्त भी आती थी, ये सारे काम उस वक़्त होते थे, लेकिन उस वक़्त आज़ानी होती थी लेकिन उससे पहले सलात व सलाम नहीं होता था जिस तरह आज राइज है। नमाज के बाद मखसूस तरीके से खड़े होकर के सलात व सलाम पढ़ना उस वक़्त राइज नहीं था, उस वक़्त नहीं था जो आज राइज है। पैदाइश और ख़त्म होते थे लेकिन इन मौके के ऊपर वो बिदात और वो रसूमात नहीं होती थी जो आज ख़तनों के वक़्त और आज पैदाइश के वक़्त की जाती हैं। खुशी और गमी उस वक़्त होती थी लेकिन जो रसूम और जो रवाज आज खुशियों के अंदर और गमियों के अंदर है उस वक़्त वो नहीं थे। जनाजे उस वक़्त भी होते थे लेकिन जनाजों के बाद इज्तिमाई तौर पर जो दुआ मांगने का तरीक़ा है उस वक़्त नहीं था जो आज राइज है। मुसीबतें और परेशानियां लोगों के ऊपर उस वक़्त भी आती थी, कब्रें उस वक़्त भी मौजूद थी लेकिन कब्रों के इर्द गिर्द
तवाफ करना, कब्रों पर चढ़ावे चढ़ाना और कब्रों से मन्नतें मांगना और मुरादें मांगना, ये उस वक्त नहीं था जो आज रहा है। तो इस वजह से इस आयत करीमा को सामने रख करके फरमाया कि जो असबाब और जो दवाई उस वक्त मौजूद थे, लेकिन ये तरीका नहीं इख्तियार किया गया, तो इसलिए आज वो तरीका जो इख्तियार किया जाएगा, जो उस वक्त मौजूद नहीं था, जो उस वक्त राय नहीं था, वो दीन नहीं हो सकता। इसका नाम बेदात। और बेदात के बारे में प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दीन के अंदर नई चीज का ईजाद करना है। एक बेदात करने वाला, बेदत को ईजाद करने वाला, बेदत की तरवीज और इशाद करने वाला, वो इस बात का दावेदार है कि अलियाज बिल्ला दीन नामुकम्मल है, दीन नाकिस, और इस दीन की जो तकमील होगी वो मेरी मर्जी के मुताबिक होगी, मेरी अकल के मुताबिक होगी, मेरी तरमीम के मुताबिक होगी। और वो इस बात का दावेदार है कि नऊज़ु बिल्ला आका नामदार सरवरे कायनात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को पहुंचाने के अंदर गलती से काम लिया है, पूरा दीन का तरीका जो है वो नहीं पहुंचाया, नाकिस दीन पहुंचाया है। इसलिए फरमाया कि जो चीज़ दीन का हिस्सा नहीं है, जिसको अल्लाह के कुरान ने बयान नहीं किया, जबकि अल्लाह ने खुद कह दिया कि मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया, हर चीज़ दीन की मैंने तकमील कर दी, वतीवियान लिकुल शय, अल्लाह ने फरमाया मैंने कुरान उतारा है, इसमें हर चीज़ को मैंने बयान कर दिया, वनज़लना अलैकल किताब, मैंने किताब नाजिल की, इस किताब के अंदर हर एक चीज़ को खोल खोल करके बयान कर दिया गया है, और ये हुदं व बुशरा लिल मुस्लिमीन बायस हिदायत है और बायस खुशखबरी ईमान वालों के। तो अब अगर एक आदमी जो जिसे कुरान ने बयान नहीं किया, जिसे अल्लाह के नबी ने बयान नहीं किया, जो खैरुल कुरून के अंदर चीज़ मौजूद नहीं थी, जिसे सहाबा इकराम ने नहीं किया, आज अगर वो उसको राइज किया जाता है, तो फरमाया कि वो इस बात का दावेदार है कि दीन नामुकम्मल है, नाकिस है, जबकि अल्लाह फरमाते हैं कि अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम अलइस्लाम दीना। वो इस बात का दावेदार है कि अल्लाह के नबी ने दीन की बात पहुंचाने में कमी की, जबकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिस चीज़ के बारे में मुझे हुक्म दिया है, जो तुम्हारे हक में बेहतर थी, मैंने वो चीज़ तुम तक पहुंचा दी है, और जिस चीज़ से अल्लाह ने रोका, जो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं थी, मैंने उस चीज़ से तुम्हें रोका है, उससे मना किया। अल्लाह के नबी ने तो हर तरीका बता दिया, वुजू किस तरह से करना है, इस्तंजा किस तरह से करना है, हत्ता के बुज़र रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आसमान में उड़ते हुए परिंदे के बारे में बता दिया कि वो जब परों को हिलाता है तो क्यों हिलाता है, उसका इल्म भी बता दिया। अल्लाह के नबी ने तो कोई चीज़ नहीं छोड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया और वुजू करने के बाद फरमाया तीन तीन दफ़ा आज़ाए वुजू को धोया और फरमाया हाक अज़ल वुजू फमन ज़ादा, जिस आदमी ने इस वुजू के ऊपर ज़्यादती की तो फरमाया कि फ़क़द ज़लमा, उसने जुल्म किया, व तअद्दा, उसने हद से तजावज़ की। एक आदमी वुजू करता है अपने आज़ा को बजाय तीन दफ़ा धोने के, वो कहता है कि मैं अच्छी तरह से पाकी हासिल करता हूँ, पांच पांच मरतबा अज़ा को धोता हूँ। फरमाया कि ये नबी के तरीके से हट करके, अगरचि उसने अज़ा को अच्छी तरीके से धोया है, साफ किया है, लेकिन नबी ने तीन दफ़ा धोया, ये पांच दफ़ा धो रहा है, और पांच दफ़ा धोने की वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फ़क़द ज़लमा व असा व तअद्दा, उसने जुल्म किया, उसने नाफरमानी की, उसने हद से तजावज़ की। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि समी अल्लाह लिमन हमीना के बाद तुम रब्बना लकल हम्द कहो,
अब फरमाया कि एक आदमी रब्बना लकल हम्द व लकल शुक्र कह देता है, शुक्र का इजाफा कर देता है, तो फरमाया कि ये बिदअत, इसलिए कि नबी ने तालीम दी रब्बना व लकल हम्द तक शुक्र के अल्फाज नहीं कहे, और ये उसके ऊपर इजाफा कर रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर दिन रात में 5 नमाजें फर्ज हैं, नमाजों की तादाद बता दी, रकातों की तादाद बता दी कि फजर के अंदर 2 रकात फर्ज हैं, जोर में 4 हैं, असर में 4 हैं, मगरब में 3 हैं, ईशा में 4 हैं। एक आदमी कहता है जी मैं मगरब में 3 रकात के बजाय मैं 4 अदा करूंगा, फजर में 2 के बजाय 4 रकातें पढ़ूंगा, क्यों? इसलिए कि मुझे इसके ऊपर ज्यादा अजर मिलेगा, 1 रकात ज्यादा पढ़ूंगा उसमें अल्लाह की हम्द सना ज्यादा होगी, अलहमद का इजाफा होगा, 1 रुकू ज्यादा होगा, 2 सजदे ज्यादा होंगे, अल्लाह की हम्द सना और तस्बीहात के अंदर इजाफा होगा। तो फरमाया कि बजाय इसके कि उसे अजर मिले, सवाब मिले, उल्टा अजाब मिलेगा, वो 3 रकातें भी मरदूद हो जाएंगी, क्यों? नबी के तरीके से हट गए। तो इसलिए फरमाया कि अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह ने जो कानून बनाया, जो निज़ाम बनाया, जो आइन और दस्तूर दिया है, ये हर एतबार से कामिल और मुकम्मल। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका।